और अच्छे तरीके से ये बैठ जाए। तो ऐसे देखो हम काम चला रहा हूँ, अगर मिट्टी लग जाता ना तो सरकता नहीं है। गुड मॉर्निंग, राम प्रणाम, नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। आज मैं जा रहा हूँ धान की बुआई करने, उस गांव से देखो दूर जा रहा हूँ, दूर इस सिवान में। देखो ऐसे जो परती टाइप होता है उसे सिवान बोलते हैं, क्योंकि हम लोग गाँव से दूर आते हैं ना। और आज का मौसम भी बहुत ही बुलंद है, क्योंकि आज का मौसम आप लोग देख सकते हैं बारिश वगैरह रुक गया और बादल ऊपर दिख रहा। ये देखो गन्ना इधर साइड में लगा है, इधर देखिए अभी इसमें धान का बुआई करना है, जो कि गॉड गिफ्टेड ये पानी आया है, देख पा रहे हैं ये पानी आ चुका है। मतलब हम लोग को पानी भरना नहीं पड़ेगा जमीन से, लग गया चारों तरफ, ये देखिए चारों तरफ लग गया। तो अभी हम धान को जाए बुआई करने के लिए, और वैसे भी 10 बीस का धान का बुआई करने के लिए लगभग दो बोरा जरूरी लगता है, मतलब लगभग 70-80 इतना मोटा मोटा होता है। तो उस खेत में हमको जाके करना है, देख पा रहे हैं वो जो खेत दिख रहा है, वहाँ पर जाके हमको धान का बुआई करना है। ये हमने खुरपी भी ले रखा ताकि मेड़ वगैरह अगर कहीं काटना हो या फिर बांधना हो तो सहायता करेगा, मतलब हाथ से तो करता नहीं, नाखून में मिट्टी घुस जाती है, इसलिए हमने खुरपी को ले रखा। और देखो अभी हम कच्ची और बंडा पहन के यहाँ से निकल चुके हैं बैठाने के लिए, तो चलते हैं बैठाते हैं। वैसे भी कितने लोग किसानी करते हो, जितने लोग किसानी करते हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और जितने भी किसान हो इस वीडियो को कोने कोने तक, हिंदुस्तान के किसान कोने कोने तक शेयर करो, क्योंकि एक किसान एक किसान का ही मेहनत समझता है ना भाई। तो हम लोग ऐसे ही किसानी प्रॉपर तरीके से करते रहते हैं, हम लोग को पता है कि हम गांव के छोटे छोटे किसान हैं। ये देखिए इसमें गन्ना लगा है, बट देखो पता नहीं चला इसमें डूब गया है, ये देखिए दोस्तों। और यहाँ का सड़क देखिए ठीक ठाक है फिलहाल, बहुत बढ़िया तो नहीं है लेकिन फिलहाल ठीक ठाक है। ये देखो दोस्तों ये रहा मेरा सारा खेत, अब चलो खेत में हम चल रहे हैं। ये देखो खेत में आ गए, देखिए कितना सारा पानी लग गया है, सच में बता रहा हूँ। ये देखिए पापा जा रहे हैं, चलिए यहीं पर फेंक दीजिए। देखिए दोस्तों इस तरह से हम देखिए ऐसा पहले छीट देते खेत में, उसके बाद फिर हम बैठाना शुरू करते हैं। अब देखिए उधर से हमको बैठाना शुरू करना, देखिए दोस्तों वहाँ से हमको बैठाना शुरू करना। ये जो मेड़ दिख रहा है इसके बगल दूसरा है, और इसके इधर मेरा है, और जो पीछे मेड़ दिख रहा है उसके बगल दूसरा है और इधर मेरा है। तो मतलब हमको जो खाली जगह दिख रहा है जहाँ पर हम हैं यहाँ पर हमको धान की बुआई करना है। तो अभी देखो ये खेत किस तरह से दिख रहा होगा, देखो खेत किस तरह से दिख रहा होगा, और फिर इसके बाद अभी हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये दिखेगा, तब तक आप लोग वेट करो। तो ये देखिए अभी हमने लाया पॉलीथीन में अपना मोबाइल वहाँ पर रख लेते हैं, ताकि मोबाइल पानी में गिरे ना, कोई प्रॉब्लम सा ना हो। 10 मिनट के लिए, दस मिनट के लिए लगभग एक घंटा बैठाने के लिए लगेगा, 1 से 1.5 घंटा। तो अभी उतना देर तो हमको रखना ही पड़ेगा, क्यों भाई गिर जाएगा तो खराब हो जाएगा, आप लोग वही चाह रहे हो ना। इतना मुझे लग रहा था कि आज खत्म हो जाएगा, बट नहीं, जुट्टी घट गया, मतलब 20 से 25 जुट्टी हमको ला के, देखो थोड़ा सा इस पे दिख रहा होगा, यहाँ पर ला के बैठाना, और बाकी तो कम्प्लीट हो गया है, मतलब 80% कम्प्लीट हो गया, बस 20% बाकी है, वो भी अभी शाम तक आके कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलता हूँ घर पर, अभी कुछ है ना, अभी बज रहा है 8:30 और कुछ खाता पीता हूँ घर पर। तो फिलहाल दोस्तों अभी बज गए हैं 2:45, और देखो मैं खेत में प्रॉपर तरीके से आ गया हूँ, एकदम रेडी होके जिस ड्रेस में मैं था वैसे ही मैं आ गया हूँ। तो आज का आसमान देखो एकदम बढ़िया सा, देखो ये देखो कितना नीला नीला आसमान दिख रहा है ना, क्योंकि अब बादल बिल्कुल हट गया, अब बारिश हो सकता है कि जरा से भी ना हो, क्योंकि बादल आप लोग देख ही सकते हो कितना नीला नीला है ना दोस्तों। ये देखो वैसे आप लोग बताना क्या आप जहाँ रहते हैं वहाँ बारिश हो रहा है, तेजी से हो रहा है? यहाँ तो देखो चारों तरफ पानी पानी आप लोगों को दिखेगा, देखो जहाँ आप लोग देख रहे हो वहाँ पानी पानी लग गया, इधर साइड भी देख लो तो पानी लग गया। अब देखो हम जा रहे हैं जो जरई उखाते हैं उसको उखाड़ने के लिए, तो फिर काम तो करना ही पड़ेगा। अब देखो मैं मोबाइल यहीं पर रखूंगा, देखो यहाँ पर मैंने बोल्टर रख दिया है, मोबाइल को भी यहीं पर मैं रख के ही जाऊंगा, नहीं तो क्या होगा कि पानी में गिर जाएगा तो बेकार सा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों अब मैं चलता हूँ सीधे, तो जरायू खाने के बाद आप लोग से मैं मिलता हूँ। तो फिलहाल अभी हम दूसरे गांव में आ चुके बैठाने के लिए, देखो मेरा दूर दूर खेत है, चौराहे पर खेत है, ये खेत देख पा रहे हैं ये मेरा ही है। तो इधर देखो अपना बॉबी भी आया है, ये देखिए बॉबी भी आ चुका है, और ये जरा से भी इधर उधर नहीं जा रहा है, ये देखिए बॉबी। तो दोस्तों ये 2 बीघा का चक है, आज मैं लगभग 10-20 से ऊपर बैठा दूंगा, और जो बचेगा कल बैठा दूंगा, तो आज कल में कम्प्लीट ये हो जाएगा। ये देखो पापा किस तरह से उसको दूर दूर फेंक रहे हैं इसको। और अच्छे तरीके से ये बैठ जाए, तो ऐसे देखो हम काम चला रहा हूँ, अगर मिट्टी लग जाता ना तो सरकता नहीं है, एक एक पेड़ है, तो इससे हम काम चला रहे हैं जुगाड़ करके। अभी देखो इतना सारा 2 पांटा लग गया, अभी देखो पीछे सारा बाकी है, और कल देखना ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अभी बज चुके हैं 6:00 और हम देखो बैठा के निकल चुके हैं, मम्मा पैर हाथ धुल रही है, और ये देखो इतना बैठ गया, देखो इतना बैठ गया, और अभी इतना सारा बाकी है। तो फिलहाल मौसम देखो आज का, वाह कितना ही अमेजिंग सा दिख रहा है ना, सच बताना ये देखो मौसम गाइस। तो फिर अब हमें यहाँ से सीधे निकलते हैं घर पर, क्योंकि अब घर पर जाना है और हमको नहाना भी है, तो नहा धो के एकदम बढ़िया से प्रॉपर तरीके से हम रेडी हो के फिर शाम को आप लोग से मिलते हैं।
थोड़ा सा बात करना, हो सकता है लाइट ना आए तो मैं बात ना कर पाऊँ, यहीं पर मैं वीडियो को एंड करना पड़े क्योंकि मेरे घर लाइट नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम्स है, तो मैं दिखा पाऊंगा क्योंकि कोशिश तो करूंगा बट यहीं पर वीडियो एंड करूंगा। तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा लास्ट में शाम को सब्सक्राइब कर, कल बैगन कौन कर छोड़ा है आप सपोर्ट दे सकते हैं, सो मतलब ये कोई गलती प्लीज माफ करना, और फिर किसान भाई के लिए लाइक जरूर बनता है अगर आप लोग किसान।